दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार इसकी जांच कराना चाह रही है, हम कई बार कह चुके हैं। तो दिल्ली सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को गठित करने के लिए मंजूरी देने की फाइल हमने एलजी साहब के पास आज फिर भेज दी है। जैसा मैंने कहा था कि केंद्र सरकार भी ये जानना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की भी इस पे नज़र थी, उन्होंने भी संज्ञान में लिया था। तो आज मैंने फाइल दोबारा से, दिल्ली सरकार ने ये फाइल दोबारा से एलजी साहब के पास भेज दी है कि ऑक्सीजन से हुई डेथ की जांच बहुत ज़रूरी है, जांच के बिना ये कहना मुश्किल है कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी डेथ हुई। आज हमने फाइल भेजी है, उम्मीद है जल्दी मंजूरी मिल जाएगी हमको और उसके बाद ऑक्सीजन की डेथ कमेटी अपना काम करना शुरू करेगी और देखेगी कि किस हॉस्पिटल में, जहां से भी खबरें आ रही थी ऑक्सीजन की कमी की या ऑक्सीजन की कमी से हुई डेथ की, वहां ऑक्सीजन की कमी से वाकई डेथ हुई, इसकी जांच एक हाई लेवल कमेटी करेगी और उम्मीद है जल्दी एलजी साहब के पास से ये मिलके फाइल अप्रूवल होके आ जाएगी। मैंने एलजी साहब को लिखा है कि 21वीं सदी में किसी भी देश पर, किसी भी व्यवस्था पर ये सवाल उठना कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल्स में डेथ हो गई महामारी के दौरान, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा संकट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमको इससे भागना नहीं चाहिए। अगर वाकई ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई हैं और कितनी हुई हैं उसको देखते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपने सिस्टम्स ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपने सारे चैनल्स ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बड़े सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम अगर डेथ के आंकड़े को छिपाने की कोशिश करेंगे या उसको अंडरकवर रखने की कोशिश करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा, तो ये अच्छी गवर्नेंस नहीं है और ख़ासतौर से आज के दौर में जब सब कुछ गवर्नेंस में इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी पर निर्भर है। तो इसलिए मैंने एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया है, मैंने एक चिट्ठी इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी लिखी है, मैंने उनको पूरे घटनाक्रम और तथ्यों से अवगत कराते हुए लिखा है कि किस तरह से दिल्ली में ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची थी, वो उनके भी ज्ञान में है, उनके भी संज्ञान में होगा निश्चित रूप से, और किस तरह से हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स सब SOS दे रहे थे, सबके सब अलर्ट मैसेजेस भेज रहे थे, दिल्ली सरकार ने किस तरह से फिर कमेटी बनाई, 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया, इन सारी तथ्यों की जानकारी मैंने, और किस तरह से अब केंद्र सरकार भी जानना चाह रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी डेथ हुई दिल्ली में या बाकी राज्यों में, मैंने उन्हें लिखा है अमित शाह जी को कि ये कहना कि कितनी डेथ हुई बिना जांच के संभव नहीं है। इसलिए मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि एलजी साहब ने किस तरह से जांच, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने वाली जांच रोक दी थी, तो उनसे रिक्वेस्ट किया है मैंने कि आप उपराज्यपाल महोदय को भी ये निर्देश दे दें कि वो अब इस फाइल को रोके ना, अब इस कमेटी के गठन को रोके ना। केंद्र सरकार भी जानना चाह रही है, अदालतें भी जानना चाह रही हैं, जनता भी जानना चाह रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ कितनी हुई थी, तो अब इस फाइल को वो रोके ना, इस प्रस्ताव को नामंजूर ना करें बल्कि मंजूर करके वापस भेज दें ताकि हम इसकी जांच करा सकें और केंद्र सरकार को बता सकें और आगे की गवर्नेंस में सुधार के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकें। धन्यवाद। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।